रेड पार्ट का, ठीक है जी। इसके अलावा ये जो पट्टे थे ना वो ऊपर माशाल्लाह से तैयार हो गए, किसी में अंडे कोई तैयारी पे जा रहा है। यार इनको कॉलोनी सिस्टम में पालें तो कैसा रहते हैं, अच्छे रहते हैं बेकार रहते हैं? कॉलोनी आप देखिए, सिर्फ एक पिंजरा लगा हुआ है, सिर्फ इस पिंजरे से स्टार्ट थी कहानी। और मैं हर दफा सोचता हूँ मैं उसकी सीरीज बना दूंगा, पता नहीं मैं कब बनाऊंगा, लेकिन एक इस शेड से शुरू हुई थी, सारी चीजें आगे तक आ गई है। सर ये मुझे बताएं, कांटे हाथ लगाने पे कुछ कहते नहीं है? नहीं यार, बहुत मासूम परिंदा है, ये बहुत मासूम, ये माशाल्लाह से फर्टाइल अंडा है यार। क्या बात है सर, कितना छोटा सा अंडा है, मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी उंगली और ये अंडा, कितना छोटा सा अंडा है, छोटा सा अंडा है और फर्टाइल अंडा। अगर आप देंगे तो उसमें मैं करवा दूंगा, लोग वैसे 1000 रुपए ले रहे होते हैं, 550 रुपए डीएनए के चार्जेस हैं, उसमें कवर तो वो आपको कंफर्म हो जाएगा, मेल फीमेल अपने हिसाब से आप डाल दो। और गोल्डन टाइम में पट्टे जमा करने के लिए मेरे साथ टाइम है, और आज रेट इसका 10,000 रुपए है ना, कल आपको मतलब इसका रेट 18,000 रुपए 20,000 रुपए एक दाने का था। अब अगर इसका मार्केट में शूट होता है, नहीं भी हुआ, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फैज भाई हमेशा से मुस्कुराते हुए एज यूजुअल अपनी वीडियो में, माशाल्लाह से नेक नेक जुम्मे वाला दिन, फुल पीठ साफ लग रहे हैं। अच्छा भाई आज की वीडियो हमारी क्या है जरा बताएं आप। भाई आज जो है माशाल्लाह से कुछ चीजें नहीं आई है मेरे शेड, वो यहाँ पर आई है, वो भी हम दिखाएंगे आपको बाद में, वो दिखाएंगे। बाकी कुछ चीजें सेल के लिए है, तो वो आप लोग के उसमें जो है ना, काफी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो मैंने बोला था यार अभी नहीं है, मैं बता दूंगा कब सेल के लिए आएंगे। तो इंशाल्लाह ये कि अभी सेल के लिए हमने लगा दी है, रमजान ऑफर भी लगा दी है इंशाल्लाह। तो ये कि चीजें जो है ना कुछ निकालनी है, ज्यादा नहीं निकालनी, तो वो मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा ये कि न्यू एंट्री दिखाएंगे भाई, तो चले फिर इंशाल्लाह सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद दिखा। अच्छा भाई तो फैज भाई के सेटअप की अपडेट लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें रखी हुई है, और आपको सरप्राइज भी दिखाते हैं और हल्की फुल्की सी अपडेट भी लेते हैं। तो चले सर एंट्री दें अपनी जरा खूबसूरत सी। हाँ, मैं कह रहा हूँ फैन ऑफ कर दें, थोड़ा सा शोर कम हो जाएगा मेरे हिसाब से, माशाल्लाह से। अच्छा सही है, माशाल्लाह से भाई बच्चे आ गए, बॉक्स वगैरह नई चीज जो आपको दिख रही है वो ये दिख रही होगी, तमाम पिंजरे जो है खाली खाली हो गए। हाँ मैंने आती है माशाल्लाह से एक चीज देखा, मुझे हल्का सा लाइट सा लगा है, उसकी वजह ये कि भाई गर्मी आ गई है, जिन्होंने लपट रखे हैं मैडम गर्मी आ गई है, अपने पास से बहुत सटा गए अपने बर्ड्स के पास से, वरना होगा ये कि आपके पास डेड सेल होंगे, ब्रीड खराब होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर बॉक्स हटा दें तो बट अंडे देते ही नहीं है यार, उसको एक वो नहीं मिलेगा ना, एनवायरमेंट नहीं मिलेगा ना, तो वो अंडे देगा ही नहीं, वो अंडे नहीं देगा। जैसे मुर्गी दे देती है कहीं पर भी नहीं, इसके अंदर ये सीन है ना कि वो अगर आप जो है वो ब्रीडिंग के लिए आए गए नहीं, वो अपने आप को ये ब्रीडिंग के लिए समझ ही नहीं रहा, वो ये समझ रहा है कि मुझे एक पिंजरे में कैद कर दिया एक तरह से, सही है। अगर मैं उसको बॉक्स दूंगा तो फिर उसको लगेगा भाई अब मुझे एनवायरमेंट मिल गया, मुझे करने की, सही सही सही। तो बॉक्स हटा दोगे ऐसा ऐसा ऑटोमेटिक बॉक्स को देख के ना वो ब्रीडिंग की तरफ आता है। अच्छा बॉक्स जो है, एक मिनट में करीब से वीडियो बनाऊंगा, शोर बहुत ज्यादा आता है, ये बॉक्स लगा हुआ है, ये बॉक्स लगा हुआ है, क्या वजह है इसकी तरह बताओ मुझे। यार इसमें अंडे फर्टाइल हो गए, सही है, इसलिए मैंने रहने दिए, सही है। जिनके बच्चे आ गए उनके मैंने फौरी तौर पर बॉक्स हटाए, और जिनके अंडे मेरे पास खराब हुए उनके मैंने हटा दिए। ये जो हड्डियां है और ये जो गदर लगी है ना, इसमें या तो बच्चे सही या किसी में अंडे फटाए हो गए, तो इसलिए मैंने रहने दिए। बाकी बॉक्स हटाने की वजह यही थी भाई, डेड सेल हो रहे थे मेरे पास और अनफटाइल हो रहे थे, इसलिए मैंने हटा दिए, बॉक्स हटा दिए। हाँ क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर मैं रखता रहा, अभी मैं आपको दिखा दूं टेम्परेचर देखो, 30.8 चल रहा है, इनके लिए तो टेम्परेचर चाहिए तकरीबन 22-23 चाहिए, जिसमें आसानी से पकता है। तो इतना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, वैसे हम नहीं कर सकते यार, अगर आपको अभी गर्मियों में चाहिए ना, ये देखिए कैसा गिर रहा है, अरे वाह, तो आपको जो है ना वो एसी वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो फिर एसी लगाने की मैं कहा इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे पिंजरे में रखोगे रेस्ट के लिए तो फिर वो अच्छे से पाएगा, मेरे हिसाब से अच्छा है, बर्ड्स को रेस्ट मिल जाए तो उसकी फर्टिलिटी बेहतर है, आपको बताया, और बाकी चीजें ऐसे ऐसे बेहतर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया है इस साल के जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज के रेट के हिसाब से मैंने कवर कर लिया, चाहे वो रेट 50,000 का पहले था, आज 10,000 का क्यों ना हो, मैं उसमें कवर कर चुका हूँ, वो सारी चीजें हमने बता चुके हैं, वो पुरानी वीडियो आपकी जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। एक काम करेंगे उसकी भी सीरीज बना देते हैं, और इसमें भी आइडिया हो जाएगा आपको कि बेसिकली किस तरीके से करना है, कि बट के पैसे कवर हो चुके हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीने के अंदर, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा पोल्ट्री से कंपेयर करो जरा? यार पोल्ट्री के कंपेयर में अगर आपको करूँ तो पोल्ट्री का एक अपना एक अच्छा सीन है, लेकिन मैं उनको लिए कंपेयर करूंगा जिनके पास जगह नहीं है, जिनके पास मुर्गी पालने की जगह नहीं है, जो उनको कॉन्शियस है, जो बोलते हैं गंदगी होती है ये वो, उनके लिए बेहतर चीज ये है कि आप लवबर्ड के ऊपर काम कर लें, इसमें भी आपके 2-4 रुपए पैसे मिल जाएंगे, खास तौर पर उनके लिए बेहतर है जो घर में हमारी खवातीन है या जो बुजुर्ग है, जो नौजवान नस्ल नहीं है तो उनके लिए बेस्ट है, या नौजवान नस्ल जो फ्लैटों में रहती है, जो भी है उनके लिए बेस्ट है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं
तो दोनों बिजनेस बेस्ट है, ये उनके लिए बेस्ट है जिनके पास जगह कम है। आप देखें ना, इतनी से कम जगह पे जो है आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं माशाल्लाह से। ना लेबर चाहिए आपको, ना प्रॉपर मेडिकेशन ऐसी चाहिए, ना राइस अच्छी पटी है, ना कुछ प्रॉपर झाड़ू लगाए अच्छे से पानी का। अच्छा एक बात बताओ ना, फिर भी अंदाजन तो हो ना, रेट तो करोगे ये बेहतर है वो बेहतर है, अंदाजन एक। अच्छा एक रेट कर दो, 10 में से कितना रेट करोगे? नए फार्मर के लिए ये बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये कि इसमें बीमारी नहीं है इतनी, इसमें बायो सिक्योरिटी का इतना ख्याल नहीं रखना पड़ता। बट बहुत डीट होता है भाई ये, बट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यार वाइल्ड बर्ड है ना, जंगल में रहने वाले बर्ड है। ये बर्ड ऐसे हैं जो साइंटिस्ट ने बनाए हुए, डिजाइन किए हुए, तो इसलिए थोड़ा जाहिर सी बात है वो नेचर ने बनाए हुए। सर एक काम करें, पहले सरप्राइज रिवील करते हैं, उसके बाद शेर के बर्ड दिखाते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं आपको इंशाल्लाह। पहले सरप्राइज दिखाते हैं, चले भाई आ जाए, पहले बाहर आ जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं सेल के लिए क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। एक नया सरप्राइज आने वाला है, फैज भाई हमें दिखाएंगे, और एक सेकंड का इंतजार दिया इन्होंने, कोई खास किस्म की चीज़ मुझे लग रहा है कि लेने गए, तो जल्दी से वो चीज़ पता लगे फिर आपको बताते हैं क्या क्या प्लान है, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी भाई, ये क्या लेकर आ रहे हो भाई? ये जो है ना, ये कचरा है। कचरे से मुराद क्या? इसमें सुनिया भी लगी हुई है क्या? ये तो यार चुनटियां हैं। अच्छा, ये तो फेंकने के लिए रखा हुआ है, लेकिन इसमें जो कचरा होता है ना एचवल, उसको फिर जो मशीन अंदर रखी हुई है ना, सीड वाली जो मशीन लगी हुई है, साफ करती है। और जो मोटा कचरा बचता है ना, वो मैं देता हूँ अपने इस परिंदे को। भाई ये डबल प्रोटेक्शन लगाई हुई है, क्योंकि बिल्ली जो होती है ना, वो एक खतरनाक किस्म की चीज होती है। और इसके अलावा ये क्या, खुदाना खास्ता कोई बर्ड निकल जाता है आपका बाहर, तो फिर उसमें सेफ रहता है। तो एक तो निकलेगा भी नहीं भाई, ये भी निकलेगा। सर ये क्या चीजें आपने हमें पहले दिखाई थी, बराबर में नहीं आई है मेरे हिसाब से। नहीं, ये चीजें मैंने आपको नहीं दिखाई, मैंने आपको दिखाए थे चार पट्टे दिखाए थे। और माशाल्लाह से भाई ये जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये मेरा लगा हुआ है डायमंड पाइट टू रेड पाइट का। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो पट्टे थे ना, वो ऊपर माशाल्लाह से तैयार हो गए, किसी में अंडे, कोई तैयारी पे जा रहा है। यार इनको कॉलोनी सिस्टम में पालें तो कैसा रहते हैं? अच्छे रहते हैं बेकार रहते हैं? कॉलोनी में भी अच्छे पलते हैं, लेकिन यार महंगा बर्ड है। अब ये जो बर्ड है ना, ये पेयर जो है ना आपकी जो है ना 50 से 55 हज़ार रुपए की कॉस्ट है इस पेयर की। ओए होए माशाल्लाह, इतना महंगा बढ़ गया। उसका वजह ये है कि इसका बच्चा जो है, अगर रेड पाइट का पट्टा इस पर कभी चल रहा है, तो वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपए का एक बच्चा चल रहा है। और इसके सबसे अच्छी बात जो है ना यार डफो की, वो ये है कि माशाल्लाह से अभी देखें, इस पेयर ने भी अंडे दिए हुए डायमंड पट के। पट्टे हैं सारे रेडी टू ब्रीड वाले पट्टे हैं, ये वॉश हो रहे हैं, ये ऐसे ही वॉश हो जाएंगे जैसे ये सफेद हो रहे हैं ना, इसी तरीके से ये वॉश हो जाएंगे। बराबर में आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट वाले इन्होंने अंडे दिए हैं इस पेयर ने। हाँ, ये पट्टे हैं, इसलिए ये ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं। आपने लास्ट टाइम देखा होगा पूरे ब्राउन थे, पूरे ब्राउन थे, डार्क ब्राउन लग रही थी। उसकी वजह ये है कि भाई ये वॉश होते रहते हैं, इस तरीके से वॉश हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। वो खैर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक काम करें ना भाई, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करते हैं। आपने बोला ये पेड़ 55-60 हज़ार रुपए का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल, अभी आप मुझे बताएं इसकी फिजिबिलिटी क्या है? आप, हम कारोबार वाले लोग हैं, हमें बर्ड बर्ड देखने का शौक नहीं, आप बताओ पैसे क्या बनेंगे? सीधी से मैं बात बता रहा हूँ, इसके अंदर अब जैसे इसने अंडा दिया हुआ है ना, सही है, 14 दिन के अंदर इसके अंदर से बच्चा निकल जाएगा, और बच्चा निकलने के बाद महीने में वो सेल्फ हो जाएगा। गर्मी में अंडे देते हैं सर? गर्मियों में तो ये इनके लिए जन्नत है, ये अंडे ही अंडे देंगे आपको गर्मियों में। बिल्कुल, दो अंडे देते हैं और दोनों में से बच्चे निकलते हैं। मैं आपको बोलता हूँ एक बच्चा निकालें, एक बच्चे के एवरेज पकड़े, मैं आपको हिसाब लगाता हूँ। अब जैसे ये पेयर है ना, इसने दो अंडे दिए हैं, सही है। अब इसका सीन ये है कि अब जैसे इसमें से एक बच्चा भी निकलता है ना, इसका जो मैंने पेयर लिया था ना, पट्टे मैंने उठाए थे 5 हज़ार रुपए का पेयर, सही है। अभी इस वक्त जो पेयर चल रहा है वो चल रहा है 15 हज़ार रुपए का पेयर, क्योंकि ये बड़ा हो गया, अंडों पे आ गया, वॉश होने लग गया, ये आप देखे ना, तो इसके फैदर जो है वाइट होने लग गया, इसका सर वाइट होने लग गया, जिसकी वजह से जो है ये वॉश क्वालिटी में आ गया, सही है। अब आपको मैं साफ बताता हूँ, अब इसका बच्चा जो है ना, खाली इस वक्त सीजन चल रहा है, इस वक्त जो डायमंड पाइट का पट्टा बिक रहा है ना, वो बिक रहा है 4 हज़ार रुपए का एक बच्चा, सही है। 5 हज़ार रुपए का मैंने पेयर लिया था, कितने दिन पहले लिया था? तकरीबन 2 महीने पहले की वीडियो में आपको, सही है, सही है। तो अब आप ये देखो, 4 हज़ार रुपए का पट्टा अभी भी निकलता है एक बच्चा, तो आपके पैसे बाहर हो गए ऑलमोस्ट। अगर ये दो बच्चे निकालता है तो आप प्रॉफिट में भी चले गए। क्या तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये इसमें दाने का इतना खर्चा नहीं है, आप देखो ना दाना क्या डला हुआ है, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ यार, जिस दाने कचरा कचरा डला हुआ है, जिस एनवायरनमेंट में मैं पाल रहा हूँ वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, कचरे पे पाल रहा हूँ कचरा दिखाऊंगा, सोने पे पाल रहा हूँ सोना दिखाऊंगा, ताकि लोग गालियां कम से कम दे भाई। अच्छा ये बताओ, गालियां देने वालों को तो मैं एक मोटी सी, आप यार जो कमेंट सेक्शन में कोई गाली दे रहा हूँ, हमारा काम है यार चीजें आपको बताना। अच्छा खैर, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे एक आध नेगेटिव कमेंट आता है, थोड़ा सा दिल दुखता है। खैर आपकी अपनी मर्जी, आप देने वाले। अच्छा एक चीज है भाई, के खुद ही भूल गया, और वो ये चीज ये थी यार, कचरे पे क्यों पाल रहे हो?
यानी कि जब बर्ड इतना अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो कचरे पे पालने का कोई खास वजह? और कचरा ला कहाँ से रहे हो, कहाँ का कचरा ही है? डव जो है ना वो परिंदा या कचरा इस सेंस में पूरा कचरा नहीं है, ये बेसिकली जो उनका बचता है ना उनका वो उन वीआईपी बर्ड्स का, लव बर्ड्स का जो बचता है वो मैं इनको डालता हूँ। कचरा भी इतना वो नहीं है, कचरा इसके अंदर तमाम चीजें, कहने का मतलब है गंदा दाना जो लवबर्ड्स गंदी है आपका रिजेक्ट कर देते हैं, और जो है चींटी भी है सब चीजें, चींटियां तो यार इसमें हो जाती है, चींटियां बीफ 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 वाला दाना नहीं देता लेकिन चींटियां हो जाती हैं। सही लेकिन है। ये कि कहने का मकसद ये कि उसका वेस्ट जो है ना वो मैं इनको डाल रहा हूँ। डव जो है ना वो दाना आपका सॉलिड फॉर्म में कभी भी नहीं खाती। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो बीस नहीं खाएगी आपकी, जई आपकी नहीं खाएगी, खुर्दुम सही से नहीं खाएगी, वो सिर्फ खाएगी आपकी कंगनी और बाजरा। तो बेहतर ये है कि जो आपके पास जो बचा हुआ वो डाल दो, ज्यादा बेस्ट नहीं है जब वो खुश भी रहेगी। इसके अंदर वाइटामिन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वाइटामिन के लिए आप नॉर्मल कोई से भी वाइटामिन वगैरह चला लें, कैल्शियम इनके लिए जरूरत है क्योंकि ये हर महीने ब्रीड करता है, हर महीने। क्या बात है, ड्रेस बिल्कुल भी नहीं करता, ये हर महीने ब्रीड करता है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने अंडों के छिलके जो है ना पाउडर फॉर्म में करके देना, बहुत सस्ता पलता है, लवबर्ड से अच्छा बिजनेस है। ओए होए ऐसी बात है। अच्छा, मेरे हिसाब से मेरा ख्याल ये है कि गर्मियों में इसका काम किया जाए और सर्दियों में लवबर्ड का किया जाए, क्या कह रहे हो? सर्दियों में और लवबर्ड को तैयार करो सर्दियों के हिसाब से, तो दोनों चीजें साथ रखोगे तो इंशाल्लाह मुनासिब रहेगा। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल ऐसी ही है, मैंने लगाया है इसलिए कि गर्मियों में थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टुक टुक निकालूंगा, जेब चलती रहेगी, सर्दियों में जो है उससे अल्हम्दुलिल्लाह कवर होता है, बाकी थोड़ा बहुत जो है मुर्गियों से हो रहा होता है। ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, ये घर में शौक के लिए टाइम पास के लिए रख दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये टाइम पास से इतने पैसे बनते हैं, अल्लाह बरकत दे, कि एक एवरेज इंजीनियर जो है ना, हाँ इंजीनियर नहीं मैं बोलता हूँ क्या भाई, एक फ्रेश ग्रेजुएट है ना उसके जैसे तीन फ्रेश ग्रेजुएट जो उतने पैसे बन जाते होंगे, मुझे अंदाजा है। आप अंदाजा कर लो कि फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर कितने पैसे कमाता है, आपको पता लग जाएगा मार्केट में क्या पैसे बनते हैं। सर मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल। इसके अलावा एक माशरे से आप देख लें, छह पेड़ लगे हैं, डायमंड के पट्टे भी हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, और इसमें कौन से यार? इसके अंदर जो मेरा लगा है ना, अब जैसे ये ब्लू का पट्टा है मेरे पास, हाँ ये ब्लू वाइट का पट्टा जो है ना ये अभी वॉश होना स्टार्ट होगा। सही है, सही है। और एक डायमंड का लगा हुआ है अच्छी वॉच क्वालिटी में। ये ब्लू पाइट जो है ना बेसिकली ये मैं जिसके सेटअप से लेकर आया हूँ ये निकला हुआ सिल्वर पाइट में से। अच्छा, और ये मैंने इसको अच्छे पैसों में उठाया है, अच्छे पैसों में उठाया है ये ब्लू पाइट। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसमें लेता ना इतने पैसों में मुझे ऐसी वॉच क्वालिटी में बर्ड मिल जाता। सही। अब ये निकला हुआ सिल्वर में से, सिल्वर का ब्रीडर जो है ना उस पर चल रहा है 4.5 से 5 लाख रुपए का। सर सेल ओए होए, अच्छा इसमें से निकला हुआ ये पीस और एक ये पीस, क्या बात, इसलिए मैंने ये चीजें उठाई हैं। सिल्वर लग कितना खूबसूरत है, और देखने में देखें एक ही कलर में लग रहा है, हल्के से शेड आने लग गया, व्हाइट स्पॉट आने लग गया, बहुत खूबसूरत है। तो देखिए अगर ये एक बच्चा भी मेरे को अगर समझे ब्लू व्हाइट भी निकाल देता ना जब भी मैं बारे में हूँ, मैं तो खैर लेके आया हूँ अच्छे पैसों में क्योंकि एक बड़े सेटअप वाले से उठा के लेके आया हूँ। तो खैर ये सेटअप वाले का नाम बताना चाहोगे या नहीं? नहीं यार मैं नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वजह सारी है कि कोई भी जो है ना वो नहीं बताता। सही है, सही है। सर जो आपको मुनासिब हो मुझे नहीं पता इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अच्छा माशाल्लाह से ये वाली भी फीमेल बैठी हुई है, अब दिखाएं सेल के लिए क्या चीज अवेलेबल है और उसका भी आइडिया दें। सेल के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे पास अंडे आ गए, इसमें आप देख लो, इसमें भी बैठे हुए बर्ड, इसमें भी आपका बर्ड बैठा हुआ है, मैं आपको अंडा निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख लो यार कितना मासूम परिंदा है यार, ये बिल्कुल भी नहीं काटता, ये कैसे अपने आप को छुपा रही है, देखे ये अंडों को तो ना बचा रही है, बजाय इसके कि दोनों ये हल्का फुल्का डिफेंड करे, काटे हाथ लगाने पे कुछ कहते नहीं है? नहीं यार बहुत मासूम परिंदा है, ये बहुत मासूम, ये माशाल्लाह से फर्टाइल अंडा है यार। क्या बात है सर, कितना छोटा सा अंडा है, मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी उंगली और ये अंडा, कितना छोटा सा अंडा है, छोटा सा अंडा है और फर्टाइल अंडा है। आप जो है ना वैसे तो एहतिकाफ में बैठ रहा था मैं, हाँ। लेकिन अगर आप जो है एहतिकाफ से हट पहले आ जाते ना, अगर ये इससे पहले अंडों में से बच्चे निकल जाते तो फिर उसके बच्चे भी दिखाते हैं, उसका बच्चा इतना सा होता है नाजुक सा, और दो हफ्ते के अंदर ऐसा हो जाता है आप ऐसा लगेगा कि महीने का बच्चा है, लेकिन लवबर्ड का बच्चा 1.5 महीने में जाके सेल्फ होता है प्रॉपर, इनका जो है ना 25 दिन के अंदर सेल्फ हो जाता है, बिकने के काबिल हो जाता है। सही 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 सही, चलो ये भी अच्छी चीज है। और इसके अलावा बताओ लवबर्ड में कोई चीज है फॉर सेल के लिए? लवबर्ड में चीजें हैं भाई सेल के लिए, अच्छा जो चीजें सेल के लिए है ना डव के भी बच्चे मिल जाएंगे आपको। हाँ वो इसी चीज से बात देते हैं, उसके लिए फैस का नंबर आपको स्क्रीन पे दिया मैंने, HF डेली अपडेट्स का आप चैनल चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। इनकी अपडेट अभी शुरू नहीं की लेकिन कर दूंगा, और मैं एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे ना मेरे से, देखे मैं तो एहतिकाफ में बैठ जाऊंगा, हाँ। मैं लेकिन ये कोशिश करूंगा कि मोबाइल से कॉन्टेक्ट कर लूं, हाँ। लेकिन वैसे तो मुश्किल है ना, नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन जिन्होंने मेरे को मैसेज किए हुए होंगे ना पहले, तो इंशाल्लाह ईद को उनसे रिस्पांस कर दूंगा, तो ईद तक कोई भी चीज सेल नहीं होगी, मेरे पीछे कोई भी नहीं है जो सेल करे। सही है, क्योंकि वालिद साहब पीछे देख रहे होते हैं लेकिन वो नहीं सेल करते, मुझे इतना पता है ना वो चीजें सेल नहीं करते, क्योंकि सारी चीजें जो है मैनेज वगैरह सारी चीजें मैं ही देख रहा हूँ। अब वो जो है वो माशाल्लाह से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, उनका ज्यादा शौक है इन चीजों में भाई, जो बात है उनका ज्यादा शौक है इन चीजों में,
तो इसलिए जो है ना वो सेल वगैरह से मैं देख रहा हूँ। सही, बाकी हिसाब किताब जो है ना मैंने आपको बताया कि जो ईद पे कॉन्टेक्ट करेगा ना हाँ। उनको भी मिल जाएगी, मतलब बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा, वीडियो देखो, दो दिन के अंदर आओ लेके चले भाई। मैं आपको सिंपली बताऊं, आप बर्ड्स देना, उसका स्क्रीनशॉट लेके फैस को भेजना और उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और पेमेंट कर देना, एडवांस कर देना भाई। मैं कह रहा हूँ बुक करा लेना और ईद तक ले लेना, ये भी बड़ा मुनासिब है। रेट भी मैं आपको बता देता हूँ आज की। हाँ, रेट तो बताएं सर। डायमंड पाइट का पट्टा जो है ना आपको 4,000 रुपए का पर पीस मिल जाएगा, फुल वॉश क्वालिटी में। ये डायमंड पाइट दिखा दो, फुल वॉश से मुराद है इस क्वालिटी में। इस क्वालिटी में इसका बच्चे मिलेंगे आपको। सही है, ये बच्चे वॉश नहीं हुए, इस क्वालिटी में आपको मिलेंगे, ब्रीडर दिखा के दूंगा। सही है। और रेड पाइट आपको मिल जाएंगे फुल वॉश क्वालिटी में, ब्रीडर मैं आपको दिखाऊंगा, दिखा के दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नीचे से नीचे दे दूंगा, जाल के अंदर भर के दे दूं। रेड पाइट का पट्टा जो है आपके व्यूअर जो भी आएगा उसको 12,000 रुपए का मिल जाएगा पर पीस। ब्लू पाइट का पट्टा अगर किसी को चाहिए तो उसको मिल जाएगा 18,000 रुपए का पर पीस। और मैं अगर हम आपको बात बताऊं ना तो डेल्फा की आपने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, हाँ हाँ, उसमें रेट देख लेते भाई, 7,000 रुपए का मिल रहा था, ऐसे रेट थे। रेड व्हाइट का पट्टा 15,000 से 18,000 का चल रहा था और ब्लू व्हाइट का पट्टा 25,000 का चल रहा था। इतना बड़ा मेगा डिस्काउंट लगा दिया, सीजन चल रहा है, ब्रीडर दिखा के दूंगा मार्केट के अंदर। अगर हो सकता है आपको मेरे जैसे रेटों में मिल रहा हो, दुकानदारी में मिल रहा होगा, लेकिन आपको नहीं पता पीछे से क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो गारंटीड भाई चीज मिलेगी। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप लोग घरों से ले लिया करो। उसमें देखो बट का रेट तो कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन ये है कि चीज आपको एक दिली तसल्ली मिल जाती है। हो सकता है यहाँ पर भी फ्रॉड हो जाए, लेकिन इस सेटअप पे गारंटी है कि जो लोग पुराने काम करने वाले हैं ना वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। सर जी उसकी भी वीडियो दिखा लेते हैं, ये चीजें भी होंगी लव बर्ड पे भी। और मैंने मेंशन कर दिया कि जिसको भी चाहिए वो सिंपली भाई बुक करा ले, ताकि फिर उसके लिए रोक लिया जाए बर्ड और फिर वो सिंपली सी चीज देख के और अंदाजा हो जाए। आ गए हम इधर, ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। प्लांट रखने की खास वजह सिर्फ खूबसूरती के लिए रखा हुआ है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है। थोड़ा सा देखो बर्ड को सुकून है कि वो नेचर के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, फिर आपको पता है बर्ड जो है वो ब्रीडिंग भी अच्छी करी है उन्होंने माशाल्लाह से। अभी जब ये मैं इनको दो दो करके लगाऊंगा ना तो पिंजरे माशाल्लाह से ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगे। उधर पट्टे लगे हुए नीचे अंडे आए, तो ये ऑलमोस्ट साल में एक एवरेज था ना 50-60 पट्टों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। अल्लाह बरकत दे, मजीद अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं तो अल्लाह का लाल लाल शुक्र करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, पहला ईयर हमने इतना बड़ा कमर्शियल काम पे लगाया था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हुआ है। और वो तो आपके पुरानी वीडियो आपने देखी है, सिर्फ इस पिंजरे से स्टार्ट थी कहानी। और मैं हर दफा सोचता हूँ मैं इसकी सीरीज बना दूंगा, पता नहीं मैं कब बनाऊंगा, लेकिन एक इस शेड से शुरू हुई थी, सारी चीजें आगे तक आ गई है। सर ये मुझे बताएं कौन कौन से बर्ड अवेलेबल हैं फॉर सेल के लिए और क्या उनके प्राइसेस हैं। अल्बाइनो स्प्लिट इनो आपको, मैं काम करता हूँ पीछे से आता हूँ, कौन से वाले दिखाए जरा। अल्बाइनो स्प्लिट इनो मिल जाएंगे आपको, यहाँ लगे साइज वगैरह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको नॉन डीएनए मिल जाएंगे 5,500 रुपए पर पीस फाइनल है। सही है, रेड आई का पट्टा लेंगे 10,500 रुपए पर पीस फाइनल है। यार क्या सीन है अभी, रेकमेंड क्या करते हो? अच्छा एक बात बताओ ना, रेकमेंड छोड़ो, ये बताओ अपने लिए क्या पसंद करोगे अभी, लव बर्ड्स में फार्मिंग करोगे या स्लो कर दोगे जिस तरह मार्केट में अफवाह उड़ रही है? यार मार्केट के अंदर अफवाह उड़ रही है, मैं अगर अफवाह हो रही होती ना मैं अपना बर्ड होल्ड नहीं करता, फारिक करता सारा निकाल के, सारा निकाल के फारिक करता। देखो माशाल्लाह से मैंने बढ़ाया है, मैंने डव क्यों रखी भाई, देखे काम ऊपर नीचे हो रहा होता है, रेट ऊपर नीचे हो रहा होता है। मैं यही कहूंगा कि किसी की बातों में ना आए, बड़े से बड़ा सेटअप वाला है जो है ना यार वो बढ़ा रहा है अपने सेटअप को, कम नहीं कर रहा। हम जैसों को, बड़े जैसों को एडवांटेज है, जो काम नहीं कर रहे ना उनका नुकसान है। उसकी वजह ये कि आज रेट इसका 10,000 रुपए है ना, कल आपको पता है इसका रेट 18,000 रुपए 20,000 रुपए एक दाने का था। अब अगर इसका मार्केट का शूट होता है, नहीं भी हुआ, ब्रीडिंग करता है इन्हीं रेटों में, तो आपको बहुत पा रहा है, क्योंकि अभी आप समझो कि कचरों के दामों पे आपको मिल रहा है, बहुत सस्ते रेटों में मिल रहा है भाई। पिछले दिनों तो बहुत शॉर्ट है, क्रीमिनो में सेल नहीं कर रहा। अच्छा अल्बाइनो में ऑफर लगा दिए, स्प्लिटिनो और ये डेकिनो क्रीमिनो है, ये डेकिनो है हाँ, और क्रीमिनो जो है ना इसी में रेड आई होता है। अच्छा अच्छा, तो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं रहा, क्रीमिनो इसी में रेड आई होता है। और कौन सा सेल कर रहे हो उसके अलावा, कौन सा अवेलेबल है भाई? स्प्लिट पेल फेलो आपको मिल जाएंगे, ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो। सही है सर, विजुअल से निकले हुए, विजुअल टू स्प्लिट में से इसका जो रेट लग जाएगा ना वली, आपके रेफरेंस से जो भी व्यूअर्स आएगा उसको 25,000 रुपए पर पीस लग जाएगा। अच्छा 100% स्प्लिट इनो बता रहा हूँ, तमाम चीजें स्प्लिट इनो बोल रहा हूँ ना, 100% बोल के दूंगा। क्या बात है सर, इनका डीएनए करने की जरूरत है? नॉन डीएनए के, डीएनए के रेट मैंने नहीं बताया, डीएनए अगर आप बोलते हैं तो डीएनए का चार्जेस जो है ना वो 500 रुपए 550 रुपए
वो आप अगर आप देंगे तो उसमें मैं करवा दूंगा। लोग वैसे 1000 रुपए ले रहे होते हैं, 550 रुपए डीएनए के चार्जेस हैं, उसमें कवर तो वो आपको कंफर्म हो जाएगा। मेल फीमेल अपने हिसाब से आप डाल दो। और गोल्डन टाइम है पट्टे जमा करने के लिए, गोल्डन टाइम है। और इसके लिए हमारी रेट है बिल्कुल फिक्स है, इसमें बार्गेनिंग नहीं है। मतलब अगर कोई बोलेगा कि अगर डिस्काउंट हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 100% आपको मैं बोल के दूंगा। मेरी तमाम पेयरिंग आपने देखी है रेड टू ब्लैक की लगी हुई है, कोई भी ब्लैक टू ब्लैक की नहीं लगी हुई। हां माशाल्लाह, इसमें आप समझो रेड जीन्स में लाजमी सब में आनी ही आनी है बेसिकली। साइज अच्छे है, पट्टों की चोंचे आप दिखा दे यार, क्लियर चोंचों वाले पट्टे आपको दे रहा हूँ। सर ये आ गया, इसके अलावा कुछ दिखाएं? इसके अलावा यार कोई बड़े दाने अगर बोलेगा ना तो बड़े पेयर आपको मिल जाएंगे। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने ब्रीड करी है। अब लोग बोलेंगे भाई आपके पास ब्रीडिंग नहीं आई, ये नहीं आई। नहीं नहीं भाई, मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। बल्कि काम करते ना, रिकॉर्ड छोड़ो आप, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इंशाल्लाह। आप पास की वीडियोस देख लो, आपको हर पेयर में से इंशाल्लाह ताला ब्रीड दिख जाएगी भाई। इनमें पाल ब्लू स्प्लिटिंग और रेड आई के भी पेयर में आपको कुछ मिल जाएंगे। बड़े पेयर के वीडियो जो है ना रेट वो ऑन कॉल इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। वो सिंपली बात है कि स्क्रीनशॉट लेके फैज भाई के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। पट्टों के रेट मैंने आपको बता दिया, ये फिक्स रेटों पे मिलेगा। बाकी इसके अलावा बड़े पेयर जो है ना 2-4 ये नहीं बेच रहे कॉकटेल वगैरह सर ये भी नहीं बेचने यार, ये भी नहीं सेल करने। मैंने आपको बोला ना अगर मार्केट के अंदर फ्रॉड होता ना तो वो यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे ना यार, हाँ कि नुकसान हो गया पटकी लेके जा रहे हैं, पटकी बेसिकली छोटे से केज होता है उसमें भर भर के बेच रहे हैं नुकसान में। मैं इस तरीके से रोकता नहीं अपने पास अगर नुकसान है स्पीड में। भाई नुकसान सिर्फ उन लोगों के लिए, देखिए मेरे नजदीक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नजदीक उन लोगों के लिए नुकसान है जिन्होंने सोचा था कि बट उनका 50,000 का बिकेगा। लेकिन अगर बट कितने का बिक रहा है, अगर बट आपका 20,000-50,000 में बिक रहा है तो भी फायदे में हो भाई। हमने पिछली वीडियो में विजिबिलिटी बना दी है। और सीधी सी बात है, अगर मुझे नुकसान हो रहा है मैं पागल तोड़ी ना, मुझे कोई खजाना तोड़ी ना मिला हुआ, कोई लैंडलॉर्ड अंबानी तोड़ी ना, जो मैं इनको दाना खिलाते रहूंगा, इनकी केयर करते रहूंगा। सही बात है भाई, यही बात है। आप लोगों को देख रहे हो, बड़े बड़े उनको देख रहे हो, क्योंकि बेसिकली आपके मार्केट के अंदर जो है ना ऐसे बहुत से लोग हैं। आप ये देखो कि मुर्गियों के नाम पे कितना लोग बोल रहे होते हैं फ्रॉड है, नहीं होता, फायदा नहीं होता। जब आप काम करोगे ना तो चीजें सीखोगे। तो इंशाल्लाह होती है भाई, रोजे में और जुम्मे का दिन है, जो चीज हकीकत होती है वैसे तो हम बताते हैं, लेकिन आज के बाबरकत दिन में तो आप उन पे भरोसा कर सकते हो, अंधा भरोसा अगर आपको नहीं है भाई आप कर सकते हो भरोसा, और नहीं भी करना तो आपकी मर्जी है भाई, फर्ज फर्ज नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है ना, हमारा कोई खास बड़ा मार्जिन नहीं होता, वो मार्जिन से मुराद है कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम चूरन बेच ही नहीं रहे ना। हमने अपनी मैंने अपने चैनल पे इनकी वीडियो बनाई कि आप हमसे खरीदो, ये बट खरीदो, इसका फार्मिंग करो। हम तो सिर्फ अपडेट दे रहे हैं आपको, थोड़ी सी जो है ना आपके चैनल पे भी जो है वो थोड़ा सा बस प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बस प्रॉफिट दिखा रहे हैं, काम ही नहीं है। अगर आप फ्रॉड कर रहे होते ना, हम ये करते हैं भाई ये खरीदो कल इतने पैसे कमाओगे, देर किस बात की है, अभी खरीदो कल पैसे कमाओ। और जब हमारे पास बर्ड्स फॉर सेल के लिए अवेलेबल नहीं थे, फैस की वीडियो में शुरू की वीडियो आप देखें तब भी हम रिकॉर्ड करते थे और तब भी हम अपडेट देते थे जगह की। हमने उस वक्त भी क्या किया था, 6 बच्चे लोग बोलते हैं, 5-6 बच्चे, हमने 3 का एवरेज पकड़ा था, 3 के बच्चों के एवरेज से हमने गेम लिया। माशाल्लाह, तो भाई ये सारी चीज हो गई, और तो कुछ नहीं है सेल के लिए अवेलेबल? सेल के लिए भाई अल्बाइनो वगैरह है, डब्बे मैंने आपको बताया, बड़े प्लेयर्स को चाहिए पावर ब्लू अल्बाइनो, ब्लू फिशरी टू अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, बड़े पेयर एक्सेट्रा जो इस सीजन में ब्रीड कर चुके हैं, हिस्ट्री के साथ, हिस्ट्री मतलब किसने कितने बच्चे निकाले, किसने क्या किया। अब ये बच्चे ये पेयर देखिए ना, इसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो ऐसे ऐसे हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है कि किसने कितने बच्चे निकाले, किसने कितने अंडे फर्टाइल किए, कितने नहीं करे, किसने इस साल कितने कलर्स दिए, कितने इसने डिस्टर्ब किया नहीं किया, वो तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हम इंशाल्लाह आपको पेयर्स दे देंगे। चले तो बस सर जी आज की वीडियो एंड कर देते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जिसने भी कांटेक्ट करना है फैस का नंबर स्क्रीन पे गिवन है, बराए मेहरबानी फैस से कांटेक्ट करें। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए कांटेक्ट करने का तरीका ये है भाई, अगर ये वीडियो एतकाफ के बाद अपलोड होती है तो ईद तक आपको वेट करना होगा, ईद के बाद ही फिर मैं आपको मैं काम करता हूँ ना, मैं आजकल में अपलोड करता हूँ। सही है, चीजें सेम नहीं होगी, इसके बाद जिसने बुक करा लेना, बुक वाला ऑप्शन बेटर है। हाँ। बुक करा ले, बंदा पेमेंट कर दे, थोड़ी सी टोकन करा दे। नहीं, टोकन कैसे कराएगा, मैं तो हूँ ही नहीं ना, ईद के बाद ही। अरे व्हाट्सएप पे तो अवेलेबल हो गए ना थोड़े बहुत, ईद के बाद जिसने मुझसे पहले कांटेक्ट कर लिया ना मैं वर्ड उसको दे दूंगा। चलो इस तरह कर लेंगे जैसा आपको बेहतर लगे। तो भाई आज की वीडियो में एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।